एक तरफ विश्व की पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम, दूसरी तरफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सबसे बड़ा उलटफेर करने वाली टीम। जी हां, बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड भिड़ेगा। मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से होगा। आपको बता दें यह मुकाबला काफी रोमांचक होगा। एक ओर जहां ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में प्रबल दावेदार है, वहीं दूसरी ओर नीदरलैंड की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत में फॉर्म में चल रहे दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया था। जी हां, वो सब मैच आपने देखा होगा कि नीदरलैंड की टीम ने किस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम को मात दिया था और वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर अपने नाम किया था। और आपको यह भी बता दें, श्रीलंका के खिलाफ अपने आखिरी मैच में धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए नीदरलैंड के खिलाफ जीत से सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की उनकी संभावनाएं और बेहतर हो जाएंगी अगर आज ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतती है तो। लेकिन टीम ने अब तक खेले 4 मैचों में से 2 में जीत हासिल की है और कुल 4 अंकों के साथ अंक तालिका में 4थे स्थान पर है। 1 जीत से ऑस्ट्रेलिया के अंक बढ़कर 6 हो जाएंगे, लेकिन टीम इंडिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से पीछे ही रहेगी। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के पिछले मैच में प्रदर्शन का, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान का सामना किया। उन्होंने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 367 रनों का एक विशाल स्कोर दिया। आपको बता दें, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने जिस तरीके से उनके बीच 259 रनों की साझेदारी हुई, उससे पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप पूरी तरीके से बौखला गई। अगर बात की जाए, मिचेल मार्श ने 108 गेंदों पर 121 रन बनाकर आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया को 300 रन का आंकड़ा पार करने के बाद वार्नर का भी विकेट गिर गया। लेकिन इतनी देर में वार्नर ने अपना पूरा काम कर दिया था। उन्होंने 131.45 की स्ट्राइक रेट से 163 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तान 45.3 ओवर में 305 रन पर ढेर हो गया। यानी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान जैसी टीम, उसका इस समय उसका हाल कैसा हुआ है। वो पाकिस्तान की टीम जिसके पास बाबर आजम हो, वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पर रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान हो, इफ्तिकार अहमद शदाब खान हो, जिसके पास हारिस राउत जैसा पेस अटैक हो, वो पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में पूरी तरीके से फ्लॉप होती दिख रही है। और वो जिस तरीके से पिछले मैच में उनको अफगानिस्तान ने हराया, उसके बाद तो आप साफ तौर से ये कह सकते हैं कि ये वो पाकिस्तान की टीम नहीं है जिस पाकिस्तान की टीम से लोग उम्मीद करते थे, जिस पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप की शुरुआत में अपने आप को प्रबल दावेदार मानती थी। अगर बात की जाए, वहीं नीदरलैंड ने अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला। उन्होंने पहले 6 विकेट सिर्फ 91 रनों पर खो दिए थे, लेकिन उन्होंने 7वें विकेट के लिए 130 रन जोड़े और टीम को 200 रन के पार पहुंचाने में मदद किया। जिस तरीके से एंजल ब्रेक्स्ट ने 82 गेंदों पर 70 रन बनाए, जबकि वैन बीक ने 75 गेंदों पर 59 रन बनाए, दोनों खिलाड़ियों ने नीदरलैंड का जो स्कोर है वो 262 रन तक पहुंचा दिया। वहीं श्रीलंका ने पहले 10 ओवर के अंदर 2 विकेट गंवाए, लेकिन उन्होंने 48.2 ओवर में 5 विकेट शेष रहते नीदरलैंड के कुल स्कोर को आसानी से पार कर लिया और वो जीत अपने नाम कर ली। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो आप सबको पता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी ताकतवर है। उसके पास डेविड वार्नर, मिचेल मार्श हैं। आज ये भी हो सकता है इस मैच में ट्रेविस हेड भी खेलें। अगर ट्रेविस हेड खेलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया टीम को एक और मजबूती मिलेगी। अगर बात की जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो ऑस्ट्रेलिया वनडे में क्रिकेट में मजबूत स्थिति में है। एक दूसरी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोनों पक्षों ने केवल 2 मैच खेले हैं एक दूसरे का सामना किया, यानी कि 2 मैचों में। इन मैचों में ऑस्ट्रेलिया का नीदरलैंड पर जीत का जो रिकॉर्ड है वो 2-0, यानी कि 100% मुकाबले ऑस्ट्रेलिया जीते। अगर 2 मैचों की बात करेंगे तो दोनों मैच आराम से आए ऑस्ट्रेलिया टीम जीते हैं। एक तरफ जहां नीदरलैंड की टीम इस वर्ल्ड कप में जो इस समय सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, साउथ अफ्रीका को हराकर बड़ा उलटफेर किया था, आज सबको उम्मीद होगी कि इस मैच में नीदरलैंड की टीम फिर से दोबारा कुछ उलटफेर कर सकती है। अगर उनको उलटफेर करना होगा तो जिस तरीके से उनके जो प्लेयर्स हैं, हम चाहे विक्रमजीत सिंह की बात कर लें, विक्रमजीत सिंह से इस वर्ल्ड कप में सबको काफी उम्मीदें थी, लेकिन विक्रमजीत सिंह अपने नाम के हिसाब से वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। मैक्स ओडाट कुछ पारियां खेले, कॉलिन निकरमैन कुछ पारियां खेले, लेकिन जिस तरीके से इस मुकाबले में, इस मैच में, वर्ल्ड कप में बास डिलीडे, साइमरंट, एंगलब्रेस्ट, तेजा निदम और क्विन स्कॉट, तो ये लोग जो इनके प्लेयर हैं ये बेहतरीन प्लेयर हैं। खास करके तेजा निदम उनारू और स्कॉट एडवर्ड जो उनके कप्तान हैं, उन्होंने तो लाजवाब पारी खेली थी। आप सबको याद होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी।
और अगर वहीं बात करें इसके अपोजिट आप चलेंगे जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है, उनके पास तो अनुभव भी है, उनके पास प्लेयर भी है, उनके पास क्लास भी है। जिस तरीके से मिचेल मार्श, डेविड वार्नर ओपनिंग करने आते हैं और पावर प्ले में विपक्षी टीम पर बढ़िया दबाव बनाते हैं, और जिस पिच पर आज मैच होने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम में, वो पिच भी बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मददगार होती है, यानी बल्लेबाजी के लिए वो पिच, स्पिनरों के लिए वो पिच, और खास करके जब आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो उनके लिए ये पिच पूरी तरीके से वरदान मानी जाती है। इस पिच पर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने ताबड़तोड़ बैटिंग करके 428 रन वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, आज सबको उम्मीद होगी कि कहीं ना कहीं जब डेविड वार्नर मिचेल मार्श खेलने आएंगे तो इस मौके को बुनाएंगे, अपना रन रेट अच्छा करेंगे, क्योंकि जब लास्ट में आप जाते हैं, जब आखिरी पड़ाव होता है, जब वहां पर आपके अंक जो है पॉइंट टेबल में समान होते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्ट निकल कर आता है वो आपका होता है रन रेट, यानी कि जो उस आज, तो इसी तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया टीम चाहेगी अपने रन रेट को अच्छा करना। अगर ऑस्ट्रेलिया टीम टॉस जीतती है तो अपने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करिए, अगर विशाल स्कोर देगी नीदरलैंड को। फिलहाल वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।